If momentum of an electron is changed by p, then the de Broglie wavelength associated with changes by 5.5% the initial momentum of the electron is. तो क्या दिया देखो आपको, de Broglie wavelength जो दिया आपको दिया 0.5 divided by 100 दिया, and initial momentum. अच्छा the तो change in momentum per unit momentum ओके ये इनिशियल मोमेंटम है, क्योंकि उसने देखो क्या दिया है कि इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय पी, मतलब ये पी डिवाइड बाय पी इनिशियल, ऐसे मान लो कन्फ्यूजन कम होगा. तो वी नो दैट कि पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा होता है. तो अगर हम लोग एरर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा. तो डेल्टा पी कितना दिया है, पी पी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा बाय लैम्डा बाय लैम्डा 0.5 डिवाइड बाय 100. तो पी इनिशियल इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.5 पी विच इज इक्वल टू 200 पी. मीन्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट?